हाँ कौन? पीयूष। अरे पीयूष क्या हुआ? आज जो सर दोस्तों के साथ जा रहा था सर, थोड़ा लड़ाई हो गया। तो मेरा प्रैक्टिस के वक्त ही आना चाहिए तेरे को सर, बट वो दोस्तों के साथ जाते समय जब लड़ाई हो गई तो सर एक लड़के ने ना वो हेडलॉक कर दिया सर, ये हेडलॉक। हाँ तो छुड़ा नहीं पाया? कौन सा हेडलॉक किया था? वो जो सर पकड़ के करते ने दबोच दिया था सर। ऐसे? हाँ ऐसे करके। हाँ हाँ सर। तो क्या हुआ? गला दब गया सर बहुत, मैं छुड़ा ही नहीं पा रहा था। सेंस था या सेंसलेस जैसे हो गया था? सेंसलेस होने ही वाला था बस सर, कैसे ज़्यादा छोड़ा हुआ था। इसको कहते हैं गिलोटिन चोक। तो गिलोटिन चोक में तो होगा ही, क्योंकि गिलोटिन चोक वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस चोक इन द वर्ल्ड। गिलोटिन चोक में क्या होता है, गर्दन में ये जो है ये आर्टरी यहाँ से ब्लड ब्रेन में जाता है। ठीक है, गिलोटिन चोक में टॉर्सो से, बाइसेप से और फोरम से, ये तीनों जगह के जो ट्रायंगल बन रहा है, इसमें गर्दन घुसो के चोक करता है। तो क्या होता है, ये जो ब्लड सर्कुलेशन जो ब्रेन में होता है वो बंद हो जाता है। ये टॉर्सो से, बाइसेप से और जो फोरम से, ये तुम्हारे गर्दन के सामने में, ऐसे अगर कोई चोक करेगा, बॉडी को पीछे स्क्वीज करेगा तो दम भी घुटेगा, क्योंकि इससे जो सामने बंद हो रहा है ये सांस नाली है, सांस नाली में ऑक्सीजन नहीं जाएगा, और यहाँ से जो दबोचेगा तो तुम्हारा आर्टरी ब्लॉक हो जाए। तो आर्टरी अगर ब्लॉक हो गया तो ब्रेन में ब्लड नहीं जाएगा, तो तुम क्या हो गए, 4-5 सेकेंड 6 सेकेंड के अंदर तुम्हारा सेंसलेस हो जाए। तो इससे बचने का भी एक तरीका है, एक नहीं दो तीन इसका इसके ट्रिक्स एंड टेक्निक्स है, तो मैं तुमको आज वो सिखाऊंगा कि ऐसे अगर कोई दबोचेगा तो कैसे तुम छुड़ाओगे। ठीक है, पहले तुम करो, ठीक है, क्या रे चोक करेगा? हाँ हाँ, तो मैंने क्या किया, पकड़ो जोर से, पहले ये वाला हाथ यहाँ पे आएगा रिस्ट के ऊपर, छोड़ो ये जो रिस्ट है ये रिस्ट के ऊपर आएगा, पकड़ो दबोचो, रिस्ट के ऊपर आके ये एल्बो को खींचो अपने बॉडी की तरफ ऐसे, तो थोड़ा गैप मिल जाएगा, उसके बाद हमको थोड़ा जल्दी से छोड़ो, जल्दी से शोल्डर लेके तुम्हारा जो ये जो हैंड का जो लॉक कर रहे हो, ऐसे नहीं ऐसे लॉक होता है, ऐसे करके खींचता है, ये जो हैंड का जो लॉक है शोल्डर को यहाँ पे लाना पड़ेगा। ठीक है, पहले तो ये खींचा शोल्डर को यहाँ पे लाया, फिर थोड़ा जल्दी से ट्विस्ट करना पड़ेगा, तभी गैप खुल जाएगा, माथा वहाँ से निकल जाएगा, निकल के हैंड लॉक करना है। कैसे मैं दिखा रहा हूँ, ये लॉक किया, खींचो, 1 2 क्या हुआ, हाँ हेडलॉक करेगा। हाँ अगर यहाँ से पकड़ के मैं थोड़ा और ट्विस्ट करूँगा तो इसका हैंड रिस्ट से टूट जाएगा। रिस्ट तोड़ने के लिए यहाँ पे पकड़ना नहीं है, यहाँ पे पकड़ना है, ये जो रिंग फिंगर होता है, रिंग फिंगर के ऊपर जो नेकल्स होता है वहाँ पे पकड़ के इसको ट्विस्ट करना है। अगर मैं रिस्ट को पकड़ के ट्विस्ट करने जाऊं, उसका अगर ताकत है तो वो घुमा लेगा, घुमाओ, हाँ, लेकिन अगर मैं यहाँ से पकड़ के मैं ट्विस्ट करूं, तो उसका जितना भी ताकत है वो घुमा नहीं पाएगा। ये फायदा है, ये है ट्रिक नंबर 1 मैं कर रहा हूँ, तुम करो। हाँ फिर ट्विस्ट करना है, बॉडी को ट्विस्ट करना है, पकड़ो। पहले मैंने क्या किया, ये जो चोक है उसको थोड़ा लूज किया, फिर अपने बॉडी को, डान कंधे को, ये जो गैप है यहाँ से झटके से निकलवाना है, कैसे, ऐसे, तो खुल जाएगा।
क्या किया, 1 2 कंधे को पूरा बॉडी का पावर दे के घूमना है। कैसे घूमना है, जस्ट ऐसे घूमना है। आओ ये पकड़ा मैंने, पहले लूज करवाओ, हाँ उस हाथ से, उस हाथ से यहाँ पे लेके आओ, रिस्ट के यहाँ पे, हाँ खींचो, ये एल्बो को अपने बॉडी में खींचो, हाँ अभी घूमो, हाँ तुम घूम मत जाना, तुम घूम के तुम ये निकल के मेरे पीछे आना, तुम अगर पीछे घूम जाओगे तुम्हारा बैक पोर्शन अपोनेंट के सामने चला आएगा। तो मैंने सिखाया था बैक पोर्शन कभी नहीं देना है अपोनेंट को। तो एक बार करके देखो, खींचो, हाँ फिर बैक पोर्शन तुम्हारा चला गया, मैं ऐसे पकड़ लूँगा। मैंने क्या बोला देखो, ये खींचना है शोल्डर को यहाँ से निकलवा के, तुम्हारा पीछे मैं जा रहा हूँ, मैं अपना पीछे तुमको नहीं दे रहा हूँ, मैं अपना पीठ तुमको नहीं दिखा रहा हूँ, तुम्हारा पीछे मैं जा रहा हूँ। तुमको ऐसे निकल के ऐसे जाना है, लेग मूवमेंट करो, लेग को पीछे लेके जाओ, ये राइट फुट को मेरे पीछे लेके जाओ, यहाँ पे लेके आओ, फिर तुम निकल पाओगे। इधर आओ, 1 चल, ये हाथ का जरूरत ही नहीं है, खींचो, हाँ अब शोल्डर निकालो, वहाँ से नहीं, मैंने क्या बोला, यहाँ से निकल के मेरे पीछे जाओ, फिर आएगा मेरे पीछे हाथ, ये ऐसे जल्दी से झटके से, चलो, हाँ तू गलत करेगा तो ये चोक ही हो जाएगा, छोड़ेगा भी नहीं कभी भी, पकड़ो खींचो, हाँ अब क्या बोले थे, ये शोल्डर, ये वाला पैर पीछे लेके जाओ, ये शोल्डर से घूमो, हाँ समझे, अभी तुम उल्टे तरफ घूम रहे थे इसलिए और लॉक हो रहा था। तो घूमना कैसे है, ये पकड़ा, खींचा, हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, समझ गया, तुम्हारा बॉडी वेट तुम्हारे जैसे ताकत, इधर आओ, तुम्हारे जितना ताकत है या तुमसे थोड़ा कम ताकत है तो इसमें छुड़ा पाओगे, अगर तुमसे ज़्यादा ताकतवर है तो इस टेक्निक में थोड़ा दुविधा भी हो सकता है। ऐसे पकड़े, खींचो, हाँ चलो, नहीं हो रहा है ना, वो जो ट्रिक दिखाया, मैं दो ट्रिक दिखाऊंगा आज, वो जो ट्रिक दिखाया वो तुम्हारे जैसे ताकत जितना जिसमें है उससे तुम छुड़ा पाओगे, या तुमसे थोड़ा कम होगे तो उससे छुड़ा पाओगे। अभी जो मैं ट्रिक दिखा रहा हूँ, ये ट्रिक तुमसे ताकतवर कितना भी ताकत भीम से ना आ जाए, हाल्क आ जाए, तब भी तुम छुड़ा लोगे। वो कैसे, वो मैं दिखाऊंगा, पकड़ो मुझे, ये पकड़ा सेम, ये रिस्ट में ले जाके एल्बो को बॉडी में, ये लॉक कर लिया, ये कमर इधर घूमो, ये लॉक कर लिया ये कमर, ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, अपना हाथ यहां से तुम्हारे पीठ में ले जाऊंगा, ये पीछे जा रहा हूं, ठीक है, अभी पकड़ के रहो, अभी क्या कर रहा हूं, अभी भी तुम पकड़ के रखे हो, लेकिन क्या हो रहा है, तुम्हारा चोक हो रहा है, ये कौन सा चोक हुआ, मैं तुम्हारे पीठे जो हाथ, पीछे जो हाथ था पीठ पे, कंधे से तुम्हारे गले में चोक कर रहा हूं, तुम्हारे गले में चोक करो, तुम्हें लगेगा तो तुम ऑटोमेटिकली छोड़ दोगे, तुम सबमिशन पोजीशन में आ जाओगे। तो मैंने क्या किया, और एक बार इधर से दिखा रहा हूं, कैमरे में तो ठीक ठाक आएगा, पकड़ो, ये किया, पहले तो हाथ थोड़ा लूज, क्योंकि छोड़ो, क्योंकि अगर हाथ लूज नहीं करेंगे तो 5 सेकेंड लगेगा मैं सेंसलेस होकर गिर जाऊंगा, लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी मैं एक गैप, 1 इंच गैप बना सकता हूं तो मेरा ये आर्टरी गैप में आ जाएगा, तो मैं और 4-5 सेकेंड एक्सटेंड कर सकता हूं, लेकिन ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन क्या है, पकड़ लिया, पकड़ो जोर से, हाथ यहां पे,
पैर को पीछे, मैं थोड़ा पूरा घूम गया, ठीक है। यहाँ से थोड़ा ये जो लेग है इसका, इसमें अपना घुटना देके मैं गिर रहा हूँ, ठीक है। अभी अगर फिर भी जो नहीं छोड़ रहा है तो यहाँ से हाथ लेके ऐसे ही छोड़ देगा। बस ये दो ट्रिक अब तुम करो, मुझे माथे में लो, पहले हाथ को अपने दिमाग में घुसाओ, पहले हाथ को थोड़ा लूज करो, फिर ये वाला हाथ पीछे पीछे दो, इस पैर में तुम्हारा जिस हाथ से पकड़ रहा है उसके ऑपोजिट साइड में तुमको जाना पड़ेगा, हाँ ठीक है, हाँ वेरी गुड। वेरी इफेक्टिव टेक्निक, जितना भी पावरफुल है वो छोड़ देगा। वेरी इफेक्टिव टेक्निक गिलोटिन चोक को छुड़ाने के लिए, वेरी इफेक्टिव टेक्निक। दो टेक्निक दिखाया, एक दिखाया कि जो चिन्ना वाला जो है वो कुंफू वाला टेक्निक वो दिखाया पहले, लास्ट वाला जो दिखाया वो बीजेजे वाला टेक्निक। ये दोनों टेक्निक ही यूज़ होता है एमएमए में, मिक्स मार्शल आर्ट में। तो छुड़ाने के लिए क्या, फ्रंट गिलोटिन चोक, समझ गया। आज से अगर कोई भी पकड़े तो क्या करोगे, छुड़ा के या तो हैंड ब्रेक करोगे, नहीं तो उसको चोक करके तुम वहां से निकल जाओगे, ठीक है। बस ये दो टेक्निक। अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर घूमते फिरते आ गए हो तो मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि मैं बहुत ऐसे छोटे छोटे वीडियो ला रहा हूँ ओनली फॉर सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स, ट्रिक्स एंड मार्शल आर्ट टेक्निक्स, जिसमें लगा स्ट्रांग बॉय मार्शल आर्ट टेक्निक्स बहुत सारे ला रहा हूँ, जिसमें आप लोग रास्ते में अगर कोई भी प्रॉब्लम में फंस जाओगे तो वहाँ से तुरंत निकल पाओगे। लड़कियों के लिए ये बहुत ही इफेक्टिव है, क्योंकि आज इंडिया में बहुत बुरे वक्त चल रहा है लड़कियों के लिए, बहुत रेप हो रहा है, रेप में ये कंट्री बहुत आगे निकल गया है, ये नहीं होना चाहिए। तो अवेयरनेस लाना चाहिए लड़कियों के अंदर, इसलिए मैं ये चैनल खुला हूँ, मैं वीडियो कर रहा हूँ। सो कीप प्रैक्टिस, जय हिंद, हैव ए नाइस डे।